रोज के खाने में हम काफी सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितने भी टेस्टी मसाले खाने में डाल दे, एक चीज के बिना खाने का स्वाद अधूरा रह जाता है, जिस कारण खाना फीका लगता है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी चीज की बात कर रही हूँ। नमक। जी हाँ, नमक ऐसी चीज है जो काफी सालों से इस्तेमाल होती आ रही है। जब करेंसी नोट्स नहीं थे, तब लोग लेन देन में नमक का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि नमक तब भी उतना ही जरूरी था इंसानों के लिए, और आज भी इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है। ऐसा कह सकते हैं, हमारी जिंदगी इस थोड़े से नमक पे डिपेंड करती है। सोचिए, अगर एक वीक तक आपको बिना नमक का खाना खाना पड़े तो क्या होगा? खाने में स्वाद नहीं आएगा, उसके सिवा बॉडी में नमक कम होने के कारण कमजोरी भी महसूस होगी। इसीलिए कोई बीमारी में बॉडी से नमक कम होने पे व्यक्ति कमजोर हो जाता है। खाने को स्वाद देने के सिवा नमक के 14,000 यूजेस हैं। नमक खाने में प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। नमक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिस कारण सब्जी पकाने से पहले नमक वाले पानी में रखी जाती है। इसके सिवा नमक का इस्तेमाल केमिकल प्रोसेसिंग, खेती करने में, वाटर प्योरिफाई करने में, ऐसे कई कामों में किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि नमक हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, और नमक की कमी होने के कारण बॉडी पे उसका क्या असर होता है। पर अब शुरू करने से पहले, हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमक एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी वो जीवित पदार्थ से नहीं आता है। नमक बनाने के लिए सोडियम और क्लोराइड को साथ मिलाना जरूरी होता है, तभी नमक का क्रिस्टलाइन व्हाइट क्यूब्स बनते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हमारे लिए हानिकारक होते हैं, पर यही सोडियम क्लोराइड को साथ मिलाया जाए तो हमें जिंदा रखते हैं, और इसी सोडियम क्लोराइड के कारण हमारी बॉडी काम करती है। देखते हैं सोडियम के कारण कैसे हमारी बॉडी काम करती है। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है, जो बॉडी जैसे फ्लूइड में घुल जाने पे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन क्रिएट करता है, जिस कारण हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसीलिए जिस इंसान को कमजोरी महसूस होती है, उसे इलेक्ट्रोलाइट पानी दिया जाता है, जिससे नमक की कमी पूरी हो जाती है और बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। इस इलेक्ट्रोलाइट से हार्ट रेट, डाइजेशन, ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर जैसे फंक्शंस काम करते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी को नमक की जरूरत होती है। पर नमक बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो भी तकलीफ होती है, और नमक की क्वांटिटी कम होगी तो भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे बॉडी को कितने सोडियम की जरूरत होती है? कम से कम 2,300 मिलीग्राम सोडियम की जरूरत एक दिन के लिए होती है, और अडल्ट में 1,500 मिलीग्राम सोडियम की जरूरत होती है। यानी 2,300 मिलीग्राम एक लिमिट है, उससे ज्यादा उससे कम सोडियम हानिकारक हो सकता है। अगर सोडियम की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। हमारे बॉडी से सोडियम की कमी यूरिन, पसीना और रोने के बाद आंसू के कारण होती है। जब एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम की कमी होती है, तब मसल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, चक्कर आना, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। एथलीट्स के बॉडी से काफी सारा पसीना निकलता है, इसीलिए उन्हें बार बार इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पीने के लिए कहा जाता है। इसके सिवा सोडियम और क्लोराइड स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोडियम के कारण बॉडी में से शुगर, पानी, एमिनो एसिड्स, जिससे बॉडी में डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। सोडियम की कमी के कारण हिप्नोट्रेमिया की कंडीशन होती है, जिसमें काफी समय तक वॉमिटिंग और डायरिया की तकलीफ होती है। तो इसीलिए हमारे बॉडी को नमक की काफी जरूरत होती है। जैसे थोड़ा सा नमक काफी कामों में इस्तेमाल होता है, इसी तरह हमारी जिंदगी भी थोड़े से नमक पे डिपेंड करती है। नमक ज्यादा होगा तो भी तकलीफ देगा, और कम होगा तो भी तकलीफ होगी। इसीलिए नमक की क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में ही लें। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।